तो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ WWE 24 जहां पे आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा माय जीएम मोड जिसमें बहुत ज्यादा ही मचा दिया है और शुरू करते ही आ गया बार्गेन बिन स्पेशल इफेक्ट्स ब्लाइंड मतलब स्टेफनी मैकमैन ने रॉ के हैं जो जनरल मैनेजर जो रॉ की है उसने हमारे को स्मैकडाउन को जो हम पॉल हेमन बने हुए हैं उन पर लगा दिया इफेक्ट सिलेक्ट एन अपोजिंग ब्रांड हु मस्ट यूज अ टियर 1 स्पेशल इफेक्ट लॉजिस्टिक ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक शो कैन नॉट बी यूज्ड ओके लॉजिस्टिक मैं गरीब आदमी हूँ वैसे वही है मेरे पास मेरे को नहीं लगता और मेरे पास कुछ है भी लॉजिस्टिक्स की तरह भैया हाँ ये टीयर वन ही कर सकते ना अरे चलेगा यार हर वीक में कोई ना कोई ऐसा लगा देता है पता नहीं शो कैसे बनेगा मुझे तो कुछ पता नहीं है मैं अपना वो अच्छा सर्वाइवर सीरीज तो अभी दो शो आज खेलेंगे स्पेक्टेट करेंगे लाची ठीक है और ये सेमी वॉर्टेक्स को एक रीमैच देना लिव मॉर्गन के सामने 2 वीक्स के अंदर ठीक है चल बनाता हूँ शो आज ही देता हूँ रुक तेरे को रुक अच्छा नहीं आज नहीं दे सकते भाई इसके सही नहीं है स्टेमिना कॉल आउट प्रोमो तो गाइज ये मैंने ओरिजिनली बनाया है अपना पूरा मैच कार्ड जहाँ पे ओपनर में जे उसू वर्सेस वीरमान जो लेवल 2 राइवल है लेवल 3 हो जाएगी इनका स्टेमिना डिसेंट है और ये मैच मतलब ये कॉल आउट मैं हटाऊँ और सेमी वॉर्टेक्स को मैच दूँ क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कार्ड मिल रहा है इंक्रीज द फैंस गेन्ड फ्रॉम दिस वीक शो बाई 25% कैन नॉट बी यूज इन अ पीएलई वीक तो ये बहुत अच्छा मिल रहा है ये हमको काम आ सकता है तो मैं सेमी वॉर्टेक्स और इसको लिव मॉर्गन को एक मैच दे देता हूँ ऑल्दो शायद इंजरी का चांस है लेकिन इसमें लिखा है एनश्योर दैट योर लीस्ट पॉपुलर अवेलेबल जायंट इज इन द मैच दिस वीक एंड सेमी वॉर्टेक्स इज द लीस्ट पॉपुलर अपने पास जो है तो ये मैच हटाते हैं और ये वॉर्टेक्स को डालते हैं ये मैंने ऐसे रखा था इंटरफेरेंस के लिए ताकि इनकी राइवलरी बन जाए बट आई विल गो फॉर दिस सेमी वॉर्टेक्स वाला क्योंकि मुझे वो कार्ड भाई चाहिए सेमी वॉर्टेक्स वर्सेज लिव मॉर्गन कमिश्नर गोल्ड मेट डन है भाई ठीक है और एक मैं कॉल आउट प्रोमो देख लेता हूँ और चलो ये कर लेते हैं रिया रिप्ली और ये मैक्सिम डुप्री जो लास्ट टाइम एक्सिस चैंपियन बन गए इनके 2 रख लेते हैं कॉल आउट तो इनकी लेवल 3 हो जाएगी राइवलरी ये भी लेवल 3 हो जाएगी नेक्स्ट वीक एक और कॉल आउट देके इसको लेवल 4 कर लेंगे इसको भी एक और कॉल आउट देके लेवल 4 कर लेंगे और आज मैं सोच रहा हूँ मेन इवेंट ये रखा जाए जहाँ पे एक हमारा टाइटल मैच हो चाहे टाइटल चेंज हो जाए और ये बन जाए हमारे चैंपियन देखो हो सकता है यार फिंड अगर जीत जाए तो ये मैच मुझे स्पेक्टेट करना ही है इसमें सोच रहा हूँ बैकस्टेज ब्रॉल डाल लूँ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं तो अब मैंने ये सोच रखा है कि अब मैं पैसे खर्च करूँगा सही जगह पे तो यहाँ पे एक बैकस्टेज ब्रॉल रखते हैं ताकि मुझे पैसे मिल जाए अच्छे से ठीक है बार बार कैस्केड मैच तो हो नहीं सकता तो ये रखते हैं चाहे मेरे इतने पैसे लग लेंगे मुझे 10,000 फैंस मिलेंगे 10,000 फैंस के लिए आई कैन पे दिस मच और यहाँ पे 2.5 लाख में ये लेना है मुझे पता है लेकिन अभी जब पैसे है ही नहीं तो मैं उसमें यूज़ कर लेता हूँ नेक्स्ट में आ जाता बट कोई नहीं ये फैंस मुझे ज़्यादा काम आएंगे और पावर कार्ड्स देख लेते हैं बैकस्टेज ब्रॉलर 1 बैकस्टेज ब्रॉल मैच ऑन योर शो विल रिसीव अ हायर देन नॉर्मल रेट देखो आप वेट नहीं कर रहे हम शो के लिए आज यूज़ कर रहा हूँ मैं देखा जाएगा ठीक है चलो ठीक है डन है क्योंकि अब मुझे पता है मैं हारने वाला हूँ तो बहुत मुश्किल होने वाले डबल कॉस्ट यूज़ करते हैं स्टेफनी ने मजे लिए इसको तो करते सीधा इस पर लगा देते हैं ये इंजरी रिहैब एक खरीद के रख लेते हैं नहीं इंजरी रिहैब मैं दे ही नहीं रहा वैसे भी क्योंकि एक वीक के लिए तो गायब हो जाता है अच्छा ले सकते हैं ब्रॉक लेसनर के लिए ले सकते हैं वैसे ब्रॉक लेसनर चाहिए नहीं ना ये शो को ब्रॉक लेसनर कब आ रहा है ब्रॉक लेसनर 2 वीक्स ना हाँ ठीक है अपने को आफ्टर सर्वाइवर सीरीज आएगा वैसे भी तभी चाहिए चलो ठीक है डन है भाई मेरे को ये बहुत अच्छा शो लग रहा है लेट्स सी क्या होता है मेन इवेंट स्पेक्टेट कर लेंगे वैसे ओपनर भी कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि हमको एक और शो खेलना है इसमें ठीक है कन्फर्म बुकिंग और ये हम देख चुके हैं जे उस मेरे वीर मान तो सिमुलेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग देख चुके हैं यार लास्ट वीक ही देखा है ना तभी इनकी लेवल 1 ड्राइवल भी थी चलो बढ़िया ठीक है लेवल 3 हो गई अब नीचे वाला शो मैच को इससे अच्छा हो गया तो मेरे फिर पैसे बिगड़ जाएंगे जल्द मैच अच्छा ना हो जाए बस 2.5 से ज़्यादा नहीं प्लीज हाँ चलो इतना चलता है मेरे ख्याल से इतने में इफेक्ट नहीं करता हाफ स्टार की ओवर कर दिया तो मेरा शो फिर बिगड़ गया फिर मतलब गेम ना मैं क्या बोलूँ वीरमान और जे उसो की पॉपुलरिटी ज़्यादा ही है ना भाई मतलब जे उसो की तो बहुत है ये मैच उसके इंजरी मत देना यार इसमें लिव मॉर्गन जीत गई है राइवल हाँ चलो ये ठीक है ये भी बढ़िया है मेन इवेंट कर लेते हैं स्पेक्टेट वैसे भी एक ये मैच है बैकस्टेज ब्रॉल जल्दी खत्म होगा और तुम लोग कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन सर ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे रोज रोज बोलता है कोई करता है नहीं चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं एंजॉय करते हैं एपिसोड बैकस्टेज ब्रॉल भाई टेकन खली फिर से और हमने जब लिया था बाल थे खली के लगता है मार मार के सामने व्हाट इज दिस इजी है भाई आते ही चोक्स मैन खली भाई ऑन फायर ठीक है उर्रे कौन सी सुप्लेक्स थी जर्मन सुप्लेक्स थोड़ी थी ये तो मतलब उड़ा के फेंकी और टाइटल डिफेंड हो रहा है याद रखो इसमें बैकस्टेज ब्रॉल में टाइटल डिफेंड कर रहा हूँ मैं खली वर्सेस फील्ड भाई कितना खतरनाक लग रहा सोच के
टेबल तोड़ोगे क्या भाइयों? या वो लाइटा भाई, इसमें फीड जीत गया तो चलेगा, मेरे को चलेगा, फीड की रेटिंग और ज्यादा है ना, तो चैंपियन रहेगा तो क्या दिक्कत है। वैसे हम इंडिया से, तुम खली को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर जीत गया तो चलेगा, ऐसा बोल रहा हूँ। ओह नाइस, इसलिए तो खली मेरे चैंपियन भी हैं। अभी तो ब्रॉक आएगा भाई, सर्वाइव सीरीज के बाद तो ब्रॉक आने वाला है यार। हॉल ऑफ फेम ट्रॉफीज वाला देखना था मुझे, भूल गया मैं। और जो ऐसे एवरीथिंग कूल है, रिवर्स नाइस फील। खली सर ने अगर इसको हरा दिया ना, सही बता रहा हूँ, बेस्ट हो जाएगा, मतलब बेस्ट एवर टाइटल डिफेंस होने वाला है। बैकस्ट ब्रॉल में हराना कंपेयर टू थोड़ा इजी रहता है दोनों के लिए, कि एक नॉकआउट करना है ना बस। अभी तो खली सर आ गए हैं, थोड़ा सा देखा जाए तो अभी तक इनकी कोई बॉडी कलर नहीं हुआ है, फीन की येलो हो चुकी है। ओके ऊपर जाओ ना भाई। अबे कोई फाइट ऊपर शुरू होती, कोई नीचे, इन दोनों की नीचे शुरू हुई। रोमन सीएम पंक किया था जो, छोड़ो यार वो ऊपर हुई थी, सीएम पंक अभी होता तो क्या शो होता मेरा आज। गुस्सा आता है मुझे कभी कभी, दो वीक के लिए पैसे ही नहीं थे, लेकिन यार अभी तक रिग्रेट कर रहा हूँ बताओ। ठीक है बढ़िया। ए बे भैया ठीक है, और क्या बात है। मैंडिबल क्लॉज ऐसा था भाई, चोक किया था इसको, हेडबट थोड़ी था ना। एमएन कमेंटेटर, गाड़ी पे जाएंगे लू लड़ने का या ये कहां से थोड़ा कुछ तो करो भाइयों, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो गाइस यूट्यूब शाउट एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर एक्सट्रीम मेंबर्स, जो मुझे हमारे सेकंड हाईएस्ट टीयर मेंबरशिप जिनके नाम को स्क्रीन पे देख रहे हैं। थैंक्स फॉर बीइंग एन एक्सट्रीम मेंबर एंड सपोर्टिंग आवर चैनल एमिनेम फे लेवल। अली सर क्या करने वाले हैं? ठीक है, ओहो भाई खली पूरे हावी। मेरे को लगता है खली से चैंपियनशिप आके ब्रॉक शायद इसके अगेंस्ट के लिए लिया था ना, खली सर के अगेंस्ट के लिए लिया था, ब्रॉक ही लेगा अब तो। वो इनका ट्रिपल थ्रेट, ब्रॉक वर्सेस फिंड वर्सेस खली, कम हंस दिमाग लगाया गाइस हो, बताओ अच्छा लगा था? आइडिया देते हो नहीं तुम, गाली दे देते हो भाई। One false move and you could easily get triple threat की rivalry grow कैसे होगी वो नहीं पता। ओए मिस कर दिया भैया, क्रिकेट खेलो थोड़ा फेंड, अब तो यूएसए में प्रमोट हो रहा। ओए नहीं इस ड्राइविंग भाई, अचानक से फेंड आगे हो चुके हैं, someone could seriously get hurt back there, pretty sure that's the point sack। भाई बैकस्टेज बॉल में टाइटल डिफेंस कभी देखा, हम करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम अ यूनिक चैंप, वेरी यूनिक। ओ स्टन कर दिया, जीत गए फेंड, जीत गए फेंड, जीत गए, जीत गया जीत गया। न्यू चैंपियन लेट्स गो, एब्सोल्युटली सैवेज एंड गुड थिंग ऑल दैट। मैं तो जीएम हूं, मेरे को तो रेटिंग से फर्क पड़ता है। ओके खली सर बैक, क्या सिग्नेचर फिनिशर लगानी पड़ेगी जल्दी से अगर खली सर को रिटेन करना है। अभी भी रेड बॉडी तो इसकी, ओ भाई स्लिप्स आउट ऑफ द वे, क्रॉस बॉडी, ये फेंकने में शो बोर्डिंग में मुंह टूट गया। खत्म खत्म खत्म, मैंडिबल क्लॉ लग गया तो फीड विंस, फीड विंस, डेवास्टेटिंग सबमिशन कमिंग, हाय 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 हाय, इट्स गोना डू अ लॉट ऑफ डैमेज एंड द एंग्विश ऑन हिज फेस कंटिन्यूज, टैपिंग आउट इजंट गोइंग टू सेव हिम हियर। हेलो फीड विंस आई गेस, अभी तक नहीं, बट खली सर बेहोश हो गए थे। राइट अक्रॉस द लैरिंक्स, अच्छा नाइदर सुपरस्टार गिविंग एन इंच हियर, एक्सचेंजिंग ब्लोज वाला शुरू हो चुका है। ठीक है भाई, मस्त मैच हुआ ना ये, देखने में मजा आया। खली सर सिग्नेचर फिनिशर लगाओ जल्दी से, वरना कुछ नहीं होगा। गई अब अब एक सिग्नेचर लगा के दो फिनिशर लगा सकते हो वैसे, दो स्टन। ठीक है फिंड विंस, अब सिस्टर एबिगेल पड़ जाएगा, इस शॉट्स में खत्म हो जाएगा शायद लग रहा है। खली इज बैक, ओ भाई डबल फिनिशर्स, लेट्स गो, बॉम्ब दे दिए दोनों, खत्म हो जाएगा फिर। टू थ्री,
attention being put on the torso area. दे दिया, एक दे दिया, एक और दे दिया तो खत्म है. जीत गया भाई, खली रिटेन्स. Let's go. Alistar. Five star match. भाई ये शो में अगर मैं आगे नहीं निकल रहा हूं तो मैं कुछ ही नहीं कर सकता हूं. ठीक है. Five star match कोई नहीं निकाल पाया होगा अभी तक. दिमाग लगाओ ऐसा. ठीक है. चलो लेट्स गो. मतलब एकदम आगे तो नहीं निकल पाऊंगा. इनके तक घटिया शो, घटिया शो. देखो इनके सामने तो हमारा डिसेंट शॉन माइकल्स फिन बैलर अच्छा है, गुंतर वाला भी डिसेंट था. केन और ये देखो भाई, इनसे तो बढ़िया ही कर रहा हूँ मैं. ठीक है. मिज और एजर डिसेंट है बट ठीक है भाई. पुअर ओपनिंग यार, हक दिया. गेम नल्ली गेम है भाई, नल्ली गेम है भाई. देखो मतलब क्या बोलूँ अभी मैं. आधे स्टार के लिए बचा दिया ना. ठीक है. ये लेवल थ्री राइवलरी, लेवल थ्री, लेवल थ्री, लेवल थ्री. ओ भाई, लेवल टू, लेवल टू, लेवल वन. अरे लेट्स गो. कितने फैंस? 47 यार. पैसे खर्च करके वो ओपनिंग की वजह से गड़बड़ हो गई. गुस्सा आता है भाई मेरे को इसके लिए, और कुछ नहीं. 40,000 तो ये भी ले आए यार. फाइव स्टार मैच के साथ नैब गेम. शार्लेट फ्लेयर की इतनी कितनी पॉपुलैरिटी है भाई. 45,000 क्या आगे बढ़ा. 2,000 फैन ज़्यादा लाया हूँ मैं. नेटवर्क स्पेशल ये मिल गया है, वो बढ़िया है. और PLEP यूज़ नहीं होगा तो मैं आज करूँगा. हॉल ऑफ फेम ट्रॉफी. अरे हॉल ऑफ फेम ट्रॉफी कहाँ दिखाता, मेरे को पता ही नहीं है यार. और अपने अभी कितना पीछे हैं, नंबर वन मैं गिन रहा हूँ स्टेफिनी को अभी. तो 39,000 फैंस का डिफरेंस है. अब सर्वाइव सीरीज पे मेरे को आगे करना ही होगा. एवन माई टाइम विद स्मैकडाउन कम्स वेन एंड एट दिस वीक आई वुड बी इंटरेस्टेड. हाँ डेफिनेटली अबाउट 65K. आई विल सी. ओके चलो ले रहा है, डन है. हाँ हाँ आई होप आई वुड हैं एंड ऑफ दिस वीक आई होप आई वुड गुड जॉब. इट्स टाइम टू वन. बे यार ये मेरे को ऑप्शन तो दो. रोमन के साथ राइवलरी क्यों बनाई मैंने सिर्फ इसके लिए. भाई बहुत नैब गेम है ये. क्यों कंप्लीट जो स्पेशली आफ्टर गिव मी मल्टी मैन फाइट आई आस्क फॉर द ओनली वे कैन कन्विंस 100K नहीं है भाई. मैं यार देना पड़ेगा क्योंकि मेरी टैग टीम टूट जाएगी. बहुत दिमाग खराब करके रखा है. अब $100,000 तो यही ले गया. थैंक्स फॉर डिडंट गो. ओके हट हो गया भाई. अब रोमन की राइवलरी खत्म करवाते हैं आज, चाहे अब रोमन इंजर्ड हो जाए. वैसे ही पेपर व्यू पे कुछ नहीं होने वाला. अब टाइटल मैच तो भाई बैकस्टेज ब्रॉल में हार्ड में जाए. बैकस्टेज ब्रॉल मेरे को भाई फैंस चाहिए. मैं हर वीक एक तो रखने वाला हूँ बैकस्टेज ब्रॉल. ओ पैसे ही नहीं है. लाख लाख तो वही ले गया नल्ला. यार गुस्सा आ रहा है भाई मेरे को बिन बात के. रुक जाओ. एनश्योर दैट योर लीस्ट पॉपुलर अवेलेबल ब्रूजर इज इन अ मैच दिस वीक. इसका कहते हैं टू द मून. ठीक है. अब ये कार्ड यूज करने. हाँ भाई इसमें किसी ने बोला हॉल ऑफ फेम चैलेंजेस यहाँ कहीं दिखाता. मुझे तो नहीं दिख रहा है हॉल ऑफ फेम चैलेंजेस कहाँ दिख रहे हैं भाई. सीजन चैलेंजेस. ओ ये रहा. ओके बुक 10 triple threat. ओ कंप्लीट फाइव ट्रेड इसमें है ना. ये करना है गाइस इसमें कुछ. हॉल ऑफ फेम ट्रॉफी लेनी है. 10 triple threat मैन बुक 5 shows यूजिंग ऑल मैच रूल्स. ओके परचेज ऑल पावर कार्ड्स बिफोर अ शो 5 times. बुक 10 submission मैच. क्या होने वाला है. बुक 10 shows विद एन एडवर्टीजमेंट प्रोमो. ये कर सकता था ना. बुक 3 ambulance मैचेस. कंप्लीट 5 trades. ये इजीली हो सकता है. 5 trades वाला तो अभी नहीं. ये एम्बुलेंस मैच पैसे नहीं है लेकिन. एडवर्टीजमेंट प्रोमो ऑफ सब में एक एक रखता हूँ गाइस. हॉल ऑफ फेम ट्रॉफी निकालते हैं. ठीक है. और ट्रिपल थ्रेड तो मैं रखता नहीं क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा उसका कुछ. 5 match यूजिंग ऑल रूल्स. ये तो मुश्किल है. 5 shows यूजिंग ऑल रूल्स. ये मुश्किल है भाई. ठीक है. और 10 triple threat मैचेस नहीं होगा तो हम अभी क्या करेंगे. ऑल पावर कार्ड्स. इतने पैसे नहीं है. 10 submission मैचेस और एडवर्टीजमेंट ये करते हैं. चलो सबमिशन मैचेस आर चीप आई गेस. देखते हैं. सबमिशन मैचेस आर चीप ना. सबमिशन मैच कितने में है. नॉट एट ऑल ब्रो. 42,000. एम्बुलेंस मैच सस्ता होगा उससे तो फिर. हाँ एम्बुलेंस मैच और भी सस्ता है. बक ट्रिपल थ्रेड ही करना पड़ेगा इस. ट्रिपल थ्रेड बनाओ. अब एक ट्रिपल थ्रेड रखो रोज और एक एडवर्टीजमेंट बनाता हूँ मैं शो. ये देखो PLE पे यूज़ नहीं होगा. आज कर देते क्योंकि मैं रोमन का मैच कर रहा हूँ. ठीक है. नेटवर्क स्पेशल मैंने कंफर्म कर दिया है और बाकी कार्ड्स खरीदने के पैसे बचे नहीं है. जिमी नल्ले की वजह से मेरे को मेरी टैग टीम नहीं गंवानी थी बस उस वजह से.
टाइटल मैच दो, नॉर्मल मैच रखो, कोई और ऑप्शन है नहीं। और एक ट्रिपल थ्रेट रखता हूँ मैं कहीं पे, तो ऐड करता हूँ। कर ले भाई एडवर्टाइजिंग, तू लाख डॉलर लिया, मैं एडवर्टाइजमेंट्स निकालूंगा तेरे से, मैं एडवर्टाइजमेंट्स। चुप रहा है, ये लेवल 4 राइवलरी कर देते हैं इधर। इनको मैच भी दे सकता था, लेकिन मैच दे देता हूँ या तो भाई स्टैमिना है डिसेंट तो मैच देता हूँ आज इनको। अच्छा कहाँ है भाई स्टैमिना, पॉपुलैरिटी दिख रही थी वो। अब एडवर्टाइजमेंट प्रोमो नहीं रख सकता मैं, कॉल आउट रखना है मेरे को इधर, ठीक। मुझे ये करनी पड़ेगी लेवल 4 राइवलरी, ये मतलब लेवल 3 होगी अभी तो। अब नेक्स्ट शो पेपर व्यू पे 3 के साथ जाना पड़ेगा। छोड़ो इससे अच्छा एक एडवर्टीजमेंट, हॉल ऑफ फेम के लिए जाओ। एक काम करते हैं, एक फाइटर खरीद लेते हैं ब्रूजर के इसके जस्ट सामने रखने के लिए, फिर बाद में शायद काम भी आ जाए, और इसमें इंटरफेयर करा दूंगा मैं, तो उससे मस्त काम हो जाएगा भाई। अच्छा खाली कांट इंटरफेयर क्योंकि एक प्रोमो कर रहा है, अबे नैब गेम है क्या भाई। तो गाइस ये करते हैं ओपनर में से वीरमान वर्सेस जेउसो, क्योंकि स्टैमिना का अभी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट शो पे चाहे इंजर्ड भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आ जाना हो बस। और एडवर्टाइजिंग में मैंने मैक्सिम डुप्री को रख दिया क्योंकि ये भी चैंपियन भी है और पॉपुलरिटी भी काफ़ी डिसेंट है। रियर रिप्ले और डुप्री का एक प्रोमो डाल दिया, इनका लेवल 4 राइवलरी हो जाएगी, इनकी हो जाएगी लेवल 2 राइवलरी। अब नेक्स्ट शो पे फिर लेवल 3 के साथ ही जाना पड़ेगा, कोई नहीं मिड कार्ड में रख देंगे। और यहाँ पे जो तीनों की राइवलरी नहीं थी उन तीनों को मैंने डाल दिया इसके अंदर मिड कार्ड में, ट्रिपल थ्रेड मैच। अब नेक्स्ट 10 शो है भी सही, अबे 10 शो तो है भी नहीं, दो दो ट्रिपल थ्रेट मैच रखने पड़ेंगे, ठीक है। आज रख के देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा ना तो दो दो ट्रिपल थ्रेट मैच रख के हॉल ऑफ फेम ट्रॉफी लेने की ट्राई करेंगे, ठीक है। और मिड कार्ड में एक ये भी रखा है मैंने, इसमें शार्लोट फेयर करेगी रन इन शार्टजी पे, तो इनकी हो जाएगी लेवल 3 राइवलरी, तो डिसेंट लग रहा है शो। मेन इवेंट स्पेक्टेट करेंगे, फिर से कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। और कुछ भूल तो नहीं रहा ना भाई, मैच दे दिया ना सबको, हाँ ओके। और इसमें बस एक वही ट्रिपल थ्रेट वाला ही मेरे ख्याल से मैं कर सकता हूँ, बाकी मेरे पैसे है भी नहीं। और एडवर्टीजमेंट प्रोमो भी 10 मैच है नहीं, तो मेरे को एडवर्टीजमेंट प्रोमोज भी ज़्यादा रखने होंगे नेक्स्ट शो से, ये याद रखना, ठीक है। चलो कंफर्म करते हैं, लेट्स गो। नेक्स्ट 5 शो में दो दो ट्रिपल थ्रेट ऐसे करके करना पड़ेगा। सिमलेट कितना आता है अब तो, और अब तो ले आओ भाई 3 स्टार, हाँ खुद लेवल 4 राइवल रहोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। 12,000 रुपये ले गए फैन नो। ट्रिपल थ्रेट देखते हैं कैसे रहता है, 2 स्टार भी आता है कि नहीं, 1 स्टार की मिल। जिमी उसको जीत गया, 2.5 स्टार लिया है। न्यू राइवलरी स्ट्रूमैन और उसो की बन गई, सही है। तो भाई उसको भी निकाली उन बीच में से, लेवल 4 राइवलरी होगी इनकी। ये वाली देखते हैं रनिंग वाला, इसमें भी 2 स्टार ले आओ बस, बहुत है। जैसे शार्लेट आएगी तो आ जाएंगे 2 स्टार, हाँ। ये भी डन है, लेट्स गो। स्पेक्टेट करेंगे, वैसे मेरे सुपरस्टार का लास्ट मैच है ये शो पे, लास्ट वीक भी है, तो लेट्स सी क्या कर पाता है वो, इसलिए मैंने एक टाइटल मैच दे ही दिया है। ओके परफेक्ट, चलो लेट्स गो, जल्दी 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 स्पेक्टेट करेंगे ना, ये सब कौन देखता भैया, इसका तो हाईलाइट भैया है जो खाली वर्सेस हुआ था भाई, खतरनाक बैकस्टेज ड्रॉप फील्ड जो मैं डबल क्लॉ दिया था भाई, वो बेहोश हो गए थे खाली, उसके बाद खाली जीत गया। चलो 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 लेट्स गो। पहली मिट्टी ज्यादा प्लेमोर व्हाट, ठीक है भाई बहुत ही बढ़िया। वैसे आप लोग लाइक करते ना अब तक नहीं किया तो ठीक है, कमेंट लास्ट में करके जाना, बाकी मैच में एंजॉय करो। यप हॉल ऑफ फेम मैच ब्रो, चेक कर रहा था। अगर अपना सुपरस्टार जीत भी गया तो चैलेंज ये चैंपियनशिप रिलिंक्विश हो जाएगी, रोमन को फिर दे देंगे। हाँ वैसे नहीं, रोमन थोड़ी आ रहेगा, बिल्कुल भी नहीं यार। अब रोमन के लिए चैलेंजर कहाँ से लाऊंगा मैं, ब्रॉक ब्रूजर है क्या? आई होप क्या, नहीं फिर तो नहीं होगा ना और भी। चलो ठीक है देखते हैं नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट टाइम बॉयज सर्वाइवर सीरीज में मजा आएगा। एक अब रेवल 4 राइवलरी कम पड़ गई मेरे को, ये वाली मैंने सोचा तो हो जाएगी आज, और रोमन इंजर्ड भी हो जाएगा आज तो, वैसे सर्वाइवर सीरीज में मैच नहीं होने वाला रोमन का तो। यार लास्ट शो में एक गड़बड़ हो गई, वरना 70,000 फैन आते कम से कम। वो फर्स्ट मैच यार कैसे कोई सोच सकता है कि जे उसो जिस मैच में है, मेन इवेंट जे उसो जिस मैच में है, वो मैच सही नहीं हो रहा, कौन सोच सकता है। या तो बैकस्ट्रेट बॉल ओपनर रखना चाहिए था, 5 स्टार वहीं आ जाता भाई, फिर लेकिन मेन इवेंट खराब हो जाता, बड़ी दिक्कत है भाई, बहुत मुश्किल है ये मोड। ये बीच में जो अपडेट आया था ना उसका एक्सट्रीम डिफिकल्टी, सबसे मैक्स डिफिकल्टी खेल रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल है उसके साथ। चल अब तो मुझे लगा मैंने काफ़ी डिसेंट किया है, कि रोस्टर मेरे पास बहुत लिमिटेड था, मैंने बड़े बड़े सुपरस्टार लिए पैसा खर्चा करके, मैंने छोटे सुपरस्टार नहीं लिए, ज़्यादा सुपरस्टार। एक बार स्ट्रीम पे खेलेंगे इसका पूरा सीजन पूरा,
वीक में एक दिन स्ट्रीम फिक्स करके तब तक लगता नया गेम आ जाएगा, तो पूरा टाइम बोलते रहो स्टनर दे दिया भाई ने। ये तो रोमन है वो ट्राइबल चीफ है तुम्हारे हेड ऑफ द टेबल स्विंगिंग द एल्बो टू हॉल्ट द ऑफेंस। It'll take more than that to hold him down. Big forearm. Okay. ठीक है. Roman reversal. Let's go. Let's go. Let's go. Done. खत्म करो इसको. Nice Superman. Nice one. Go for a spear. Yeah, खत्म भाई. Powerful spear. Oh, reverse कर दिया. और rage use कर लिया. अब मेरा superstar दे देगा. क्या भाई spear? नहीं. Superman spear combo देने वाला Roman रिवर्स. Superman punch in the corner. The champ's eyes look glazed over. Pin. The champ kicks out at two. I knew it would take more than that to put the champ away. But just how much more is needed? The end could still be brought around. Roman reverse. Catching spear. Let's go. Catching spear. Let's go. From the top. Nice reversal तो कर ही दिया। Oh my goodness, dribbling the opponent's head like a basketball. A bad place to be for the challenger. Chavity. The only thing on Roman's mind is to mount more punishment. Okay. Oh. Elbow drop, piercing. थोड़ा just crank of the head, that's gotta hurt. Crank of the head. One reverse all it takes, my friend. अच्छा तो मैं खुद ही हूँ, ठीक है, मैं bro नहीं, me. ठीक है। Kick to the gut. Nice one. You can't do it, brother. Roman Reigns will now. Reverse spear. Is facing some serious trouble. Roman's on the wrong side of this exchange. Nice. Bahut badhiya. He's back into the ring. Good one. The reverse ho jayega. To choti wali mere yaar referee beech mein aa gayi yaar. Roman reverse karto re bhai. Punch right in the head. Utilizing the top rope to inflict more punishment. Draped over the top rope. Eh? Achha, mera hi to superstar hai bhai. Maine hi diya hua hai isko. Oye nahi, yahan seedha finish dega ro. Obe, bach gayi. We know what's coming next. Nice Roman. You're the disaster. Because he was falling behind. Reigns isn't allowing that. Someone drop. Champ looking to end this. Champ. Wo bhi champ hai career mode mein. Ab theek hai yaar. Nice. Bahut badhiya. Great come. Badhiya chal pehla. Roman Reigns Reigns. पावर ऑफ पॉजिटिविटी लिखी हाँ ठीक है किया भाई ने हाँ क्या 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 डेढ़ शाणी ले रॉक बॉटम ये रो नेगेटिव ओ फाइनली ट्राइबल चीफ द चैंप विल स्टे चैंप क्या बोला परफेक्ट champion. Can the champion respond with the back against the ring? Reigns now realizing that he's facing an even tougher level of opponent. Kaise hua ye? How did he manage to kick out? How? Oh, stomping away. Cover for the championship! Kala yaar. Champion Roman hai wo. Great officiating as
as the ref noticed he was on the ropes. Good, good, good. Good, 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 buddy. What's he gonna do? No. Rope break. The title might change hands. ये नाइफ से थोड़ी नहीं नहीं रोमन प्लीज किक आउट ब्रो नहीं नहीं गुड 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 बड़ी आप खत्म करो यार बहुत हो गई इसकी मच बहुत हो गई मच खत्म करो यार बस He's not going to be able to pull this off, is he? Oh. Is he? Yeah. Whoa. And more attacks to his core could hinder his offense. ठीक है. खत्म करो. यूज कर दो. Look out from the top row, clothesline. नहीं रोमन प्लीज रिवर्स कर खत्म कर दे भाई गुड गुड एक ड्राइव बाय हो जाता तो सर नो काउंट आउट भाई फैंस कितने मिलेंगे ये वीक देखना है मुझे क्योंकि वो 25% वाला यूज भी किया है जीत गए आज गो कला ब्रो 1 2 3 कैमरा बाहर चल अच्छा ठीक है मतलब कोई नहीं योर विनर रोमन इज इंजर्ड चलो स्टिल योर अनडिस्प्यूटेड लेकिन मैच अच्छा दे दिया भाई ने बढ़िया मैच दे दिया भाई बहुत बढ़िया चलो राइवलरी भी खत्म हो जाएगी वैसे भी भाग जाएगा तो एक से तो आगे निकल जाऊंगा इस वीक लग रहा है मैं किसी एक से तो ओके गुड बुकिंग थैंक यू 3.5 किसी के नहीं इतने स्टार गिन लेना तुम गिन के तुम कमेंट करते ना मेरे को क्या दिक्कत अच्छा तुमको दिक्कत नहीं है वाला वो अभी समझा मैं चलो कोई नहीं क्या फर्क पड़ता है ये देखो राइवलरी खत्म हो गई इंजरी भी हो गई और ये भी चला गया ठीक है यहाँ पे दो लेवल 2 राइवलरी है और फ्लेयर शॉट्सी वाली ठीक है ये लेवल 2 राइवलरी ये लेवल 4 हो गई अब मेरे पास सिर्फ ये दो लेवल 4 राइवलरीज हैं पेपर व्यू के लिए 50,000 फैंस कोई लाया होगा हैं नहीं नहीं कोई लाया होगा इधर 50,000 फैंस कलाओ कोई नहीं लाया होगा इस शो में तो कोई नहीं लाया होगा 120 का प्रॉफिट भी हुआ मतलब 20,000 का 49 तो ये भी लाए सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक कैसे लाए ये लोग 42 हाँ इनका पता था मुझे NXT तो हगी रहे लेकिन वो लेके बैठे हैं WCW में मचा दिया यार बस एक दिक्कत है समझ रहे तुम एक दिक्कत है अभी भी मैं लास्ट पे हूँ लेकिन देखो 6,000 का डिफरेंस है मिक फॉली से WCW से और इससे अभी भी 39,000 का है रॉ से हट यार और उनसे तो आगे ही हूँ मैं फर्स्ट नंबर वालों से आगे लेकिन हॉल ऑफ फेम ट्रॉफी उनका मेरे पास नहीं है ए माय कॉन्ट्रैक्ट्स माय कॉन्ट्रैक्ट्स इज अप एट द एंड ऑफ दिस वीक ले जाओ पैसे सारे गरीब कर दो मेरे को अबाउट 12K हाँ ठीक है कितना Thank you for work. I won't be renewing your contract. Sorry. Final week, एक और triple threat में डाल देंगे इसको. I've been watching your progress. You are putting up a better fight than I expected, but it won't last. Anyway, I expect to be at the top of the body by the end of this investor plug. I think you should put me in a match. अबे साले उसको तो निकाल दिया मैंने. That sounds great करता हूँ लेकिन उसको मैंने निकाल दिया. अरे आज ही दे देते. Brock को उससे match चिन्ह दे देते. ओए नहीं करना था ये. लिटिल पार्टनर नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई विल हैव योर्स ओके ब्राउन के सामने ठीक है आज ही करता हूँ ये मतलब यही शो में कर लूँगा मैं अब तो ऐसे सर्वाइव सीरीज है तो देखते हैं भाई ब्रॉक को भी दे देंगे ना मैच कोई नहीं इंजर्ड हो जाएगा फिर से भग जाएगा वो स्मॉल इंग्लिश पता नहीं अब मैं कर पाऊँगा कि नहीं मैंने हाँ तो बोल दिया सब ठीक है सर्वाइव सीरीज का पेपर भी आ गया है लगाना ही पड़ेगा लगा लिया है अब 99,000 में शो बनाना है अपन को नैब नसीब है अपना ठीक है मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या करूंगा मुझे तो कुछ पता नहीं तुम्हारे पास कुछ आइडिया हो तो बताना ये तो बहुत घटिया पेपर भी होने वाला क्योंकि लेवल 4 राइवलरी सिर्फ दो ही है
शार्लेट वाला मेन इवेंट होगा, ओपनर में वीरमान जेऊसो क्योंकि वो लेवल 4 रेवल रही है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड, मिलते हैं, बाय बाय। अभी हॉल ऑफ फेम की ट्राई करेंगे, तो ये बीच में ना तीनों ट्रिपल थ्रेट डाल दूंगा या तो मैं, देखते कुछ करते हैं, ठीक है, बाय बाय, कमेंट करके जाना, ईजी।